आते दर्शन की शक्ति पर, कि दर्शन की शक्ति समझनी है तुम्हें। यह समझना है कि मैं जब बैठता हूं और मेरे भीतर विचार आना शुरू होता है, पुराने विचार आते, मैं उसे कितना पचा सकता हूं। और यह कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा ध्यान अभी तक गया नहीं, तुम्हारे में अद्भुत शक्ति है, आत्मा की अद्भुत शक्ति, तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम जैसा स्थिर करके देखने लगोगे, सारे के सारे विचार बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही प्रोत्साहन मिला, या तो तुम भाग गए या तुमने पोषण दिया मन को, इसलिए मन इतना बड़ा हो गया। लेकिन जैसा तुम देखना शुरू करोगे चला जाएगा। और जो सुबह की प्रक्रिया है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं फीवर एंड हेडेक, और सुबह की जो प्रक्रिया है कि तुम्हें पूरी रात, इसके बहुत रहस्य है, मैं जो आगे जा रहा हूं, इसके आगे की स्कूल है स्पिरिचुअल साइंस, उसका जो मेन केंद्र है वो है रात्रि का जागरण, वो है 24 घंटे का जागरण। क्योंकि हम क्यों छोड़े, 24 घंटे अगर हमें शांति मिल सकती है, 24 घंटे अगर हमें प्रसन्नता मिल सकती है, 24 घंटे अगर हमें आनंद मिल सकता है, तो हम क्यों इतने एक एक क्षण के आनंद ले। हम 24 घंटे प्रसन्न हो सकते हैं, रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, किस तरह से रहा जाता है मैं उसका विज्ञान कहूंगा। लेकिन इसका भी, इसके साथ भी इसका संबंध है, तुम्हारा जो हेल्थ है उसके साथ निद्रा का बहुत गहरा संबंध है। खाली पोषण नहीं, खाली तुम खुराक लेके बैठ गए, रोटियां खा के बैठ गए, उससे तुम्हारी स्वस्थता नहीं रहेगी। तुम्हें निद्रा को ठीक से समझना है, विश्राम को ठीक से समझना है, विश्राम जिसमें खाली तुम्हारा जो शरीर है जो निद्रा में जाता है, और ये इसका चेकिंग है कि तुम्हारी निद्रा स्वस्थ है या नहीं। तुम जब सुबह में जागो तुम स्वस्थता का अनुभव करोगे, सुबह में पहला अनुभव उत्साह का अनुभव, तो वो ए ग्रेड अनुभव, तुम समझो तुम मुक्ति के द्वार पर आ गए, मुक्ति शुरू हो गई तुम्हारे जीवन में। जिसे ये अनुभव हो रहा है, निद्रा में से जाग रहा है और प्रसन्नता के साथ, ऐसी निद्रा कि पूरे, और ये इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये लेबोरेटरी चेकिंग है स्वस्थता का, प्रथम जो चेकिंग है वो तुम्हारी निद्रा, कि तुम्हारी निद्रा स्वस्थता के साथ हुई, एक एक ऑर्गन को जितना जरूर था उतना विश्राम मिला कि नहीं, तुमने जो पूरे दिन काम किया, श्रम किया, और श्रम से परिचित होना ही है, शरीर को बचाने की भूल मत करना। जिसे परम स्वास्थ्य का अनुभव लेना है, जिसे जीवन का अनुभव लेना है, जीवन की गहराई को खोजना है, मुक्ति को पाना है, परम मुक्ति की ओर जाना है, परमात्मा का स्वाद लेना है, परम जीवन का स्वाद लेना है, वो शरीर को बचाने की भूल में मत जाना। प्रमाद आड़स को महत्व मत देना, प्रमाद और आड़स से ऊपर उठो। पूरी संन्यास जो प्रक्रिया है उसका बेज है कि तुम्हारा जो प्रमाद है तुम्हारे भीतर, आड़स जिसके कारण मन बन रहा है, प्रमाद और आड़स की जो शक्ति है वो मन को मिल जाती है, मन बनता है विचार। देखो आप, विचार है क्या तुम्हारे भीतर, कि जहां पर तुम्हारे भीतर शक्ति थी उसका योग्य उपयोग न हुआ तो तुम्हारे भीतर विचार बन जाएगा, और योग्य उपयोग हुआ तो दर्शन बन जाएगा। समझना, अगर तुम्हारे भीतर शक्ति उठी, काम केंद्र में शक्ति उठी, उसे पूरा रास्ता मिल गया ऊपर उठने का, ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, तो वो शस्त्र को छूने लगेगी धीरे धीरे, ऊपर का जो वो आग ऊपर उठेगी, आग ऊपर उठेगी, जो ऊपर की खोपड़ी की सरफेस है उसको छूने लगेगी, जिसे योग की भाषा में कहते हैं शस्त्र, हम देसी भाषा में कहे तो खोपड़ी की टाल का ऊपर का भाग, उसे छूती है, भीतर से शक्ति छूती है। जिस तरह से तुम्हें काम का अनुभव होता है, काम वासना का अनुभव करते हैं हम भीतर, तो वो एक केंद्र पर शक्ति रह जाती है, अगर ऊपर का मार्ग खुला है तो वो ऊपर निकल जाएगी, दर्शन की शक्ति की ओर चली जाएगी, आत्मिक शक्ति बन जाएगी तुम्हारे भीतर, अगर वो न बनी तो वो हो जाएगी मन विचार। रात में अगर तुमने ठीक से विश्राम किया है तो ये रात का अनुभव है, कि जिस तरह से तुम्हें रात में काम वासना का अनुभव होता है, या भाव जगते हैं या विचार आते हैं, तो इतना ही समझो कि अभी शक्ति ऊपर नहीं जाती, तुमने जो पोज धारण किया है सोने का उसमें अभी शक्ति ऊपर नहीं जा रही, इतना समझना है। कोई जड़ता शरीर के साथ नहीं करनी है, निद्रा के साथ कोई भी बाहर से काम नहीं करना है,